हाँ दोस्तों, वेलकम टू पूजा कंप्यूटर। मैं हरीश एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रैक ऐड करने के लिए क्यूबेस न्यूंडोज में। आप क्यूबेस न्यूंडोज में जो इंस्ट्रूमेंट ट्रैक कैसे ऐड कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको प्रॉपरली तरीके से बताएंगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ट्रैक होते हैं, कौन सी कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे यहाँ पे क्यूबेस न्यूंडोज में उसको हम ऐड करते हैं। ऑल डिटेल्स इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पे बने रहें और वीडियो को फुल वॉच करें और इंस्ट्रूमेंट ट्रैक से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सारे डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्यूबेस न्यूंडो जो है, देखिए हम यहाँ पे ओपन कर लिए हैं। यहाँ तक आपको कोई सस्पेंस नहीं होगा। सिंपली ओपन करने के बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे ओपन होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप ये देखिए ट्रैक है, देखिए यहाँ पे आ गया मीडी आ गया। इसको डिलीट कर देते हैं पहले हम। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखिए आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे ये ट्रैक पे अपना राइट क्लिक करेंगे। यहाँ से आप ऑडियो ट्रैक इंसर्ट करते थे पिछले वीडियो में मैंने बताया था। देखिए यहाँ से आप ऐड इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करनी है। ऐड इंस्ट्रूमेंट ट्रैक इस पर क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे बोल रहा है नो VST इंस्ट्रूमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए इंस्ट्रूमेंट ट्रैक में जितने भी सॉफ्टवेयर जो है हमारा है यहाँ पे लोड दिखा रहा है। देखिए ग्रूम एजेंट 1 है, स्टाइलक्स रिमिक्स है, फाइव फिल्टर है, सिंथ है, ब्लू है, FL स्टूडियो है, हैलियन है, नेक्सस है, नाइट लाइफ, स्वर ग्रुप, स्वर प्लग, एक्सपैंड 2। इतने सारे जो हैं सॉफ्टवेयर जो हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रैक हमारे पास लोड किया हुआ है। किसी को हम खोल लेंगे। चलिए हम यहाँ पे इलास्टिक 3 को खोल लेते हैं। यहाँ पे सिंथ में जाएंगे तो हमारे पास है इलास्टिक है, इम्ब्रेसर है, फाइव फिल्टर है, मोनोलॉजी है, यहाँ पे मिस्टिक है और स्पेक्टर है। तो चलिए हम इलास्टिक 3 को ओपन कर लेते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे सिंपली। अब आपको सिंपली ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ट्रैक जो है इंस्ट्रूमेंट ट्रैक यहाँ पे आ गया। अब इसको ओपन कैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख रहा होगा ऑल मीडी इनपुट यहाँ पे दिखा रहा है। इलास्टिक 3 है जो लोड है, सॉफ्टवेयर का नाम है इलास्टिक 3। यहाँ से इसको ओपन करने के लिए देखिए यहाँ पे एडिट इंस्ट्रूमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है, सिर्फ क्लिक करना है। माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो देखिए इलास्टिक का जो है इंटरफेस इस तरह से ओपन हो गया। देखिए इलास्टिक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे हमें क्या क्या मिलती हैं चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ प्रीसेट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रहते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे BPM और इसके जेनरिक, फोल्डर टाइप, फेवरेट, टैग, सैम्पल म्यूजिक जो भी है यहाँ पे देखिए यहाँ तक इस इलास्टिक डेमो इस तरह के यहाँ पे आपको साउंड यहाँ पे मिलेंगे। एक्चुअली दोस्तों अभी लाइट नहीं है, इसकी वजह से हम जो है स्पीकर को ऑन नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा कंजप्शन करता है, बैटरी लो हो जाएगा तुरंत, तो इस वजह से हम यहाँ पे साउंड आपको नहीं सुना रहे हैं। इस टॉपिक में हम सिर्फ आपको आपको इंस्ट्रूमेंट जो है लगाना बता रहे हैं कि किस तरह से आप कोई भी सॉफ्टवेयर है इंस्ट्रूमेंट ट्रैक कैसे आप उसको ओपन कर पाएंगे क्यूबेस न्यूंडोज में। और इसको सिंपली आप क्यूबेस न्यूंडोज में जो भी लगाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा बजेगा जो भी आप यूज करेंगे, और उसको सिंपली आप क्यूबेस न्यूंडोज में जो है इसको ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, जिसकी मदद से आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रैक यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसको बंद कर लेते हैं। उसी तरह से कोई भी और इंस्ट्रूमेंट ट्रैक आपको ऐड करना है तो राइट क्लिक करेंगे, ऐड इंस्ट्रूमेंट ट्रैक, और कोई लेना है आपको तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पे इम्ब्रेसर है तो इम्ब्रेसर पे टिक मार करेंगे, उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। इम्ब्रेसर का यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए आ गया पूरी डिटेल्स, यहाँ से आप ये सब यूज कर सकते हैं। इम्ब्रेसर का पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इम्ब्रेसर का यहाँ पे आ गया। यहाँ पे प्रीसेट है कुछ दिए हुए, क्लासिक सिंग, वार्म, ब्रेथी, टोटल रिकॉल, ड्रामा, इस तरह से सभी सॉफ्टवेयर जो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रैक मिल रहे हैं दोस्तों, उसका जो अलग अलग वीडियो में हम पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे कि कौन कौन सा म्यूजिक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ट्रैक में, ये जो है इम्ब्रेसर और इलास्टिक में कौन कौन सा म्यूजिक यहाँ पे आपको प्रीसेट मिलती हैं, जिसकी मदद से आप काफ़ी अच्छी जो है अपना म्यूजिक
कंपोज कर सकते हैं, बना सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी ये सब है, आप यूज इसको कीजिए। इलास्टिक थ्री हो गया, एम्ब्रेसर हो गया, नेक्सस हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आपको ये है आपका स्टाइलक्स रिमिक्स है, और बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी हैं, और बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से हम आपको हर वीडियो में अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड, क्यूबेस विंडो से रिलेटेड आपको वीडियो हमेशा यहाँ पे मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अगर आप क्यूबेस विंडो से रिलेटेड और हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट जो है क्यूबेस विंडो बना हुआ है, उस पर आप वीडियो जाकर देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, क्यूबेस विंडो से रिलेटेड, और कौन कौन से प्लगिंग्स, ऑटो ट्यून, वेव बंडल, किसी भी तरह के आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप लोग हमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सभी प्रकार की सॉफ्टवेयर जो है थीरा स्टूडियो से रिलेटेड, आपको म्यूजिक साउंड रिकॉर्डिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब था दोस्तों, आपको इस वीडियो में हमने बताया कैसे आप इंस्ट्रूमेंट ट्रैक जो है ऐड कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप क्यूबेस न्यूनडोज में। देखिए हम क्यूबेस में बता रहे हैं, न्यूनडोज में भी सेम प्रोसेस होती है, आप आसानी से ये प्रोसेस कर सकते हैं और कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रैक को ऐड करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, आई होप ये अपडेट वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करना ना भूले, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट हमेशा यहाँ पे मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक्स पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।